नमस्कार, आपको शायद पहले कहीं तो देखा है मैंने। सर, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अखबारों में देखा होगा फोटो इनका। अच्छा, ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो आप? घंटी बजाना। क्या? दादा, घंटी बनाने की फैक्ट्री इनकी, तरह तरह की घंटियां घंटा बनाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, रामू दो चाय लेके आ मलाई मार के। जी लाया सर। सत्यानाश। रामू निकल लो यहाँ। सॉरी, रुक अभी तेरी घंटी बजाता हूँ मैं। आइयो, नमस्कार सर जी। ये कौन है? सर, मेरे पापा। इधर तो आना, मूंछ असली है ना? आइयो, पागल हो गए क्या सर जी? सॉरी, वो क्या है ना, पिछली मीटिंग में मेरे प्यून को अपना बाप बना के लाया था आपका बेटा। आइयो, तुझे प्यून ही मिला बाप बनाने के लिए? हाँ, तो आप कौन सा हवाई जहाज उड़ाते हो, रिक्शा तो चलाते हो? अरे, आपका बेटा किसी और को अपना बाप बना के लाया था, और आप क्या कंपैरिजन खेल रहे हो इधर? तू घर चल, बताता हूँ तेरे को। कल मैंने क्लास में एक सवाल पूछा, गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है, तो आपका बेटा बोलता है स्कूल आने के लिए घर से निकलती है और पुराने टंकी के पीछे पिंटू से मिलती है। अयो, सही तो बोला, आपको भी आपके स्टूडेंट पे ध्यान रखना चाहिए ना। अरे, वो गंगा मैडम और पिंटू सर की बात कर रहा था, क्लास में ध्यान नहीं है, लेकिन किसका किसके साथ लफड़ा चल रहा है सब कुछ मालूम है इसको। क्लास में रोज 1 बजे के आसपास फोन में कुछ देखता रहता है और बीच में चिल्लाता है मैं जीत गया, जैसे कोई लॉटरी लगी इसे। सर, लॉटरी लगती है, ये वीमेट ऐप है जिसमें दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों ने वीडियोस डाली है। इसमें वी मॉल होता है, इसमें रोज दोपहर 1 बजे सैमसंग गैलेक्सी फोन और घड़ी जैसे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। क्या अफ्रीका के जंगलों से आया हूँ मैं, ऐसे कैसे कोई फोकट में गिफ्ट देगा? सर, आपको बस कभी कभी वीडियोस डालनी है, वैसे भी आप जोकर से कम नहीं दिखते। कुछ वीडियोस पे कमेंट कीजिए और रोज दोपहर 1 बजे गिफ्ट सीखिए। क्या नाम बोला ऐप का? वीमेट ऐप। अभी डाउनलोड करता हूँ, घर पे एक नई इस्त्री लेके जाऊंगा, कोयले से पिछवाड़ा जल गया मेरा। अयो सर जी, देखा मेरा बेटा कितना होशियार है। हाँ, होशियार तो है, क्लास में सारे सब्जेक्ट में शांत बैठेगा, बायोलॉजी की मिस गीता के लेक्चर में हर 2 मिनट पे क्वेश्चन पूछेगा। अयो, क्वेश्चन पूछना तो अच्छी बात है ना। अरे, वो मिस गीता मुझे बोलती है शरीर के गुप्त अंगों के बारे में जितनी बातें मैं अपने पति से नहीं करती उतनी इसके साथ करनी पड़ती है। एक दिन आपके लाड साहब ने बायोलॉजी प्रैक्टिकल में ह्यूमन इंटरकोर्स का प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन मांगा, बेचारी मिस गीता ने पढ़ाना छोड़ दिया, स्कूल के बाहर चने फुटाने का ठेला लगा के बेच रही है वो। अयो, फिर ऐसे अनपढ़ टीचर को क्यों रखते हो आप? अरे, ह्यूमन इंटरकोर्स वो प्रैक्टिकल है जो आपने अपनी बीवी के साथ किया था, तब जाके महाशय पैदा हुए। और क्या पैदा किया है, स्कूल में क्लासरूम में कम, बाथरूम में ज्यादा रहता है आपका बेटा, हर 5 मिनट में इसको सुसु लगती है, और जाएगा तो अकेला नहीं और 3 लोंडों को साथ लेके जाएगा। क्या परेशानी क्या है, अकेले पकड़ नहीं पाते जो 6-6 हाथ लगते, वो स्कूल की टंकी में इतना पानी नहीं है जितना इसकी नुन्नू से निकलता है। फिर एक दिन मुझे शक हुआ तो मैं इनके पीछे पीछे गया, तो बाथरूम में से किसी लड़की की आवाज आ रही थी, हेल्प, गेट टू द सेफ जोन। मैं अंदर गया तो देखा चारों बच्चे संडास के कमोड पे स्क्वाड बना के पबजी खेल रहे थे, और जैसे ही मुझे देखा एनिमीज अहेड बोल के खिड़की से भाग गए। अरे, 4-4 घंटे बिताते हैं ये संडास में, वो प्रिंसिपल बेचारा पैंट में हक दिया इनके चक्कर में। अयो, कल से तेरा मोबाइल बंद। सॉरी पापा। एक दिन क्लास में मैंने सवाल पूछा 15 अगस्त को क्या होता है, तो बोलता है सेक्रेड गेम्स का सीजन 2 आ रहा है। मैं बोला प्रिंसिपल से तेरी शिकायत करूंगा, तो बोलता है वो भी अपन का कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि अपन उसके भी ऊपर है। प्रिंसिपल से ऊपर हो आप, फिर मेरी पगार भी आप ही देते होंगे माए बाप। नहीं सर, सॉरी सर। अरे क्या सॉरी, ये देखिए इसका आंसर शीट, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, शनि ग्रह के पृथ्वी को होने वाले फायदे और नुकसान लिखिए। आपका बेटा लिखता है आप शनि के पास जाओ या शनि के पास, फायदा सिर्फ तेल वाले का होता है। क्या पापा, वो शनि पे तेल चढ़ाते ना हम शनिवार को। अयो, कितना बड़ा भक्त है मेरा बच्चा। हाँ, किसका भक्त दिख रहा है पेपर में। एक दिन बारिश हो रही थी, मैंने इसको बोला बेटा वो मेरे फोन में जरा ओला उबेर डाल देना, तो इसने फेक टैक्सी करके कुछ डाला। जैसे ही मैं टैक्सी में बैठा 2 लड़कियां मेरे पे चढ़ गई, जैसे तैसे करके मैं अपनी इज्जत बचा के घर तो पहुंच गया। मेरी बीवी ने मेरे शर्ट पे लिपस्टिक के दाग देख लिए, फिर जो मेरी बीवी ने मुझे आरकेओ, चॉक स्लैम और सुपरमैन पंच दिया है ना, आज भी वो रात याद आती है तो मेरे खड़े हो जाते रोंगटे, बस अब मेरे से सहन नहीं होता। अयो, तो फिर छोड़ दीजिए ना बीवी को। अरे, आपके बेटे की बात कर रहा था मैं, स्कूल से निकालना पड़ेगा, चलो प्रिंसिपल के पास। नहीं सर। अयो, इतनी सी बात के लिए मेरे बच्चे को स्कूल से क्यों निकालते हो जी? आपकी बीवी से मैं बात करूंगा कि इसने फेक टैक्सी वाली शरारत की थी। आपकी बीवी वही है ना जी, वो मैथ्स वाली टीचर? नहीं। अयो, लेकिन मैंने आपको उनके साथ बहुत बार घूमते हुए देखा है जी। क्या? चलो पहले आपके बीवी के पास जाते फिर प्रिंसिपल के पास जाते। अरे रहने दो बेटा, तुम तो कितने होनहार स्टूडेंट हो, तुम्हें कौन निकालेगा, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं नहीं सर, पबजी खेलता हूँ ना मैं। हाँ तो उसमें क्या बुरी बात है, हर कोई खेलता है, मैं खुद तुम्हारे साथ कल से कमोड पे बैठकर पबजी खेलूंगा। अयो, और वो बायोलॉजी प्रैक्टिकल? अरे जनरल नॉलेज तो अच्छी बात है ना, कल मैं खुद तेरे सामने अपना कच्चा खोल के बैठूंगा, तू एटेक्स लगा के तेरे को जो देखना है देख, लेकिन अभी चले जाओ यहाँ से। अयो, और वो गंगा बहती उसका क्या? कौन गंगा, किसकी गंगा, मैं किसी गंगा, बंटी, घंटी, किसी को नहीं जानता। ए रामू, लेके जा रहे इनको। अयो चलो जी, चलो चलो। तो हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। अगर आप भी वी मॉल पे रोज 1 बजे शॉपिंग करना चाहते हो तो वी मेट ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।
I have you now.